हमने एक कमेटी बनाई है अपनी माजरा साहब की अध्यक्षता में, जो सारे राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी रहे उन सब के हमारे हरियाणा में पदाधिकारी हैं, कम्युनिस्ट के भी हैं, सीपीएम सीपीआई के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के, लालू की पार्टी के, शिवसेना के, सबके पार्टी के पदाधिकारी। कांग्रेस ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, उनका इंडिया गठबंधन से कोई संबंध नहीं है। इंडिया गठबंधन की शुरुआत हमने करी थी, हम हरियाणा में इंडिया का गठबंधन फिर बना लेंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनको सबको अपने साथ जोड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस को दूर करने के लिए सबसे सहयोग लेंगे और उनको राजनीतिक पहचान देंगे सबको। पहले हम स्टेट के लेवल पे सब साथियों से बातचीत करेंगे और फिर स्टेट के बाद नेशनल के स्तर पे भी जरूरत पड़ी तो मैं और माजरा साहब सभी हम सब नेताओं के पास जाएंगे। मेरी सबके साथ अच्छे संबंध है, हमने अनेकों बार उनको निमंत्रण दिया, जब जब बुलाया वो आए, उन्होंने हरियाणा की जनता को संबोधित किया। आगे भी मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ मिलेंगे और हम बहुत बड़ी एक ऐसी संघर्ष समिति बना करके लड़ाई लड़ेंगे कि 3 महीने में तेल कम चलेगा। राज्यसभा की एक सीट खाली चुनाव होना है, गठबंधन बनना उसकी जरूरत दिख जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा की मदद में लगा हुआ है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, हुड्डा कहता है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो कहता है कि जो 16 MLA दूसरे हैं, 3 इंडिपेंडेंट, 1 मैं हो गया, 10 जजपा के हो गए, अब 2 और कौन से गिनता है पता नहीं मुझे, वो या उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, गिनती ठीक से आती नहीं होगी। वो कहता है कि वो अपना कैंडिडेट बना करके लेकर के आए, हम उसकी मदद कर देंगे। सबसे बड़ी पार्टी तुम्हारी है, तुम अपनी तरफ से किसी को उम्मीदवार बनाओ और हमारे से सहयोग मांगो, अगर हम आपका सहयोग ना करें फिर तो आप ये कह सकते हो हम किसी दूसरे की मदद में लगे। इससे साफ होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की मदद करना है, ये सीट राज्यसभा की बीजेपी को देना चाहता है। एक तरफ कहता है कि भाजपा की सरकार अल्पमत में है, अविश्वास प्रस्ताव लेता है, तो फिर क्यों प्रस्ताव लिया और क्यों ये बात कहे कि अल्पमत में, ये क्यों नहीं कहता सीधा सीधा कि मैं भाजपा की मदद करना चाहता हूँ। अभी विधानसभा का सत्र आएगा अगस्त के अंदर, मैं उस सत्र के अंदर हुड्डा से ये बात विधानसभा में पूछूंगा, बाकी जगह पे तो मेरा आमना सामना कम होता है, वहाँ मुलाकात होगी, वहाँ जरूर ये बात पूछूंगा कि तुम बता, पूरे प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं, अरे विधानसभा में जो बात की जाती है वो पूरा प्रदेश देखता है, फिर देखता हूँ क्या जवाब आता है। हरियाणा की पहली सीट का आपने आज ऐलान कर दिया कि आप पहली नहीं करी, इससे पहले हमने 4-5 सीटों की घोषणा कर रखी। आपने भी आज कह दिया कि मैं इलाहाबाद से चुनाव, मैंने बता दिया आपको, हमने सबसे पहले ऐलान किया था, हमारे प्रधान जी ने यमुनानगर की और रादौर की सीट का, यमुनानगर से दिलबाग सिंह को चुनाव लड़ाएंगे और रादौर से श्याम सिंह राणा जी को लड़ाएंगे। उसके बाद अगली सीट का ऐलान बहादुरगढ़ में किया, नफे सिंह राठी जी के परिवार से लड़ाएंगे, और उसके बाद महेंद्रगढ़ प्रॉपर से सुरेंद्र कौशिक को लड़ाएंगे। यहाँ लोगों में गलतफहमी चला रखी है, शोर मचाते हैं, पिछली बार भी मेरे खिलाफ प्रचार किया इन कांग्रेसियों ने, बीजेपी वालों ने, पिछली बार भी कहते थे रानिया से लड़ेंगे, अब की बार फिर उसी तरह की बातें इन्होंने शुरू कर रखी है। मुझे इलाहाबाद के लोगों ने बहुत बड़ा प्यार दिया हुआ है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे सर पर, इलाहाबाद के लोगों ने मुझे सरकार के खिलाफ 2 बाई इलेक्शन जिताए हैं, मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं उतार सकता।
जब तक चुनाव लड़ूंगा इलाहाबाद से लड़ूंगा, किसी दूसरी जगह से नहीं लड़ूंगा। दूसरी जगह से चुनाव लड़ाने के लिए मुझे पार्टी ने कोई आदेश किया उस पर विचार करूंगा, वो पार्टी का फैसला होगा।